मैं सुनील रजवानी और आप देख रहे हैं उल्लास रियल टाइम्स। उल्लासनगर महानगर पालिका की 23 RR उपायुक्त प्रियंका राजपूत की तोड़ो कार्रवाई से यहां अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची हुई है। उल्लासनगर मनपा की DMC प्रियंका राजपूत और सहायक आयुक्त प्रशासनों ने व अन्य मनपा कर्मियों द्वारा पैनल नंबर 8 में शानदार अपार्टमेंट के सामने अवैध रूप से बन रहे DTG इमारत को तोड़ा गया। यह कार्यवाही रविवार को हुई। बताया जा रहा है कि यह अवैध निर्माण एक नगर सेवक के आशीर्वाद से चल रहा था। प्रियंका राजपूत की इस कार्रवाई से यह सिद्ध हो गया कि अवैध और कानून के खिलाफ किसी की नहीं चलती। और संडे को रविवार को छुट्टी के दिन इस कार्रवाई को अंजाम देकर प्रियंका राजपूत ने अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण दिया है और जगह जगह हो रहे अवैध निर्माणों को अंकुश लगाने के लिए ऐसे ही एक सख्त अधिकारी की जरूरत थी, ऐसे ही एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की उल्लासनगर शहर को जरूरत थी। बाकी अब तक तो उल्लासनगर महानगर पालिका के तोड़ विभाग के हाथों मानो जंग लगी हुई थी। यहाँ पर 521 बैरक के यहाँ पर एक डिमोलिशन हुई है उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह निर्माण अवैध था कि अवैध था? ये जो डिमोलिशन हुई है आप देख रहे हैं 521-523 बैरक शानदार अपार्टमेंट के बाजू में, शानदार अपार्टमेंट के टच करके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये लोड बेयरिंग बोलते हैं, TG बोलते हैं इसको, Ground+2। ये Ground+2 प्योरली इलीगल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी प्लान पास नहीं है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन UMC में डाला हुआ नहीं है और ये एक टोटली इलीगल और डेंजरस स्ट्रक्चर है। इसके लिए हमने लगभग 6-7 दिन पहले हमने कॉरपोरेशन में शिकायत की थी कि ये जो काम है इसको बंद कराया जाए और इसको डिमोलिश किया जाए। तो उसके बाद आज संडे के दिन ये डिमोलिशन हुई। एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने शिकायत की तो UMC ने इमीडिएटली एक्शन लेके ये काम बंद करवा दिया और ये काम हमारे शिकायत के नेक्स्ट डे ही बंद हो गया था। लेकिन अचानक कल सवेरे हरकत चालू हो गई, इसमें सुबह 9 बजे से 15 से 20 वर्कर लगा के इन्होंने ये काम आज सुबह 12 बजे तक लगभग 95% कंप्लीट कर दिया था। लेकिन तो क्या आपने इसकी शिकायत यहाँ के नगर सेवक को की थी? देखिए, नगर सेवक को शिकायत करने में मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, क्योंकि ये जितने भी काम अवैध काम जो होते हैं शहर में, इसमें नगर सेवक की सपोर्ट होती है। नगर सेवक मैं अगर शिकायत कर सकता हूँ गलत काम की, तो नगर सेवक भी शिकायत कर सकता है। वो शिकायत नहीं कर रहा है मतलब इसमें उसकी सपोर्ट है। तो नगर सेवक को शिकायत करके हमको आज तक कोई रिलीफ मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। कौन है यहाँ का नगर सेवक? देखिए, ये जो पैनल है, ये पैनल नंबर 8 है, हमारे यहाँ का नगर सेवक राजेश वद्रिया है और ये जो काम करा रहा था ये भी कोई नगर सेवक, कोई स्वप्निल बागुल करके करा रहा था। अभी सोचिए, जो काम नगर सेवक खुद कॉन्ट्रैक्टर बन के करवाते हैं वो लोग ये काम रुकाएंगे कैसे? तो ये सब नगर सेवक आपस में मिले हुए हैं और ये लोग को कोई भी किसी भी नगर सेवक को शहर में अवैध निर्माण से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको अपना जो उनको शायद इसमें कोई बड़ा इनकम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये काम रोका गया था, उसके बाद फिर काम चालू हो गया, फिर आज UMC मैडम ने, वी आर ग्रेटफुल टू और डिप्टी कमिश्नर मैडम प्रियंका राजपूत, जिन्होंने आज संडे के दिन हॉलिडे के दिन अपना हॉलिडे डिस्टर्ब करके यहाँ पे आके लगभग 2-3 घंटा यहाँ पे मैडम थी, उन्होंने डिमोलिशन खुद अपने पर्सनल विजिट से करवाया और ये उनका ये हफ्ते में दूसरा डिमोलिशन है। 10 दिन पहले हमने गायत्री निवास के पीछे भी ऐसा ही लगभग सिमिलर काम हुआ था, वहाँ भी एक कॉरपोरेटर इन्वॉल्व था, वहाँ भी मैडम ने कॉरपोरेटर के जितने भी प्रेशर है उसको इग्नोर करके मैडम ने ये डिमोलिशन करवाया था। और आज भी यहाँ भी हमने यही देखा कि हमको देखने को मिला कि मैडम जो है हमारी एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है और मैडम जो है वो जस्टिस करने में बिलीव करती है और मैडम को इलीगल काम पसंद नहीं है। जी, पिछले 10 सालों से आप धोखाधड़ी में रहने वाले बिल्डिंग वालों को जस्टिस देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी जब शहर में घटनाएं होती है तो उस वक्त आपके ऊपर क्या बीतती है? देखिए अजवानी जी, ये हम 10 साल से धोखादायक बिल्डिंगों के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को पुनर्वास के लिए मांग कर रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास होना चाहिए, FSI शहर में आनी चाहिए, शहर में रेगुलाइजेशन एक्ट चालू होना चाहिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि शहर में बिल्डिंग्स जो अवैध हैं उनको रेगुलाइज करो, दूसरी तरफ अगर ऐसे अवैध निर्माण किए होंगे, अभी ये स्ट्रक्चर आज Ground+2 स्ट्रक्चर की लाइफ 5-6 साल से ज़्यादा नहीं है, ये एक फ्यूचर डेंजरस स्ट्रक्चर है। अब हमारी जो लड़ाई है ये टोटली उसके अगेंस्ट हो रहा है, हमारी लड़ाई को डिफीट किया जा रहा है ये। तो ये एक्चुअली आप देखेंगे 2004 और 5 में 855 बिल्डिंग डिमोलिशन का एक कोर्ट ऑर्डर आया था, उसमें कोर्ट ने क्लियर कहा है कि उल्लासनगर में 2005 के बाद एक भी बिल्डिंग में अगर अवैध निर्माण होता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है।
इसमें यूएमसी को भी एक्शन लिया जाएगा, इसमें जो भी कंसर्न इन्वॉल्व है, जो भी कॉरपोरेटर इन्वॉल्व है, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, जो भी इसके मालिक हैं, सबके ऊपर एक्शन होगा। दिस इज अ क्लियर कंटेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर 2004-2005 डिमोलिशन ऑर्डर। धन्यवाद। थैंक यू। इस घटना को देखकर मुझे नंदलाल समिति की याद आ गई। नंदलाल समिति का गठन महानगर पालिका में अनियमितताओं की जांच के लिए हुआ था और यही समिति उल्लासनगर महानगर पालिका में 97-98 में यहाँ जांच के लिए आई थी और तभी यहाँ के नगर सेवकों में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ था और जो भी अवैध निर्माण से जुड़े हुए थे वे सब डरे हुए थे क्योंकि नंदलाल समिति में दोषी पाए जाने वाले नगर सेवकों का पद भी रद्द हो सकता था। और आज भी कुछ ऐसे ही एक्शन की ज़रूरत लग रही है क्योंकि नगर सेवक जो जनप्रतिनिधि हैं वे अवैध निर्माणों में इस तरह लिप्त हैं कि शहर के विकास के काम भूल गए हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि इस अवैध निर्माणकर्ता पर क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन ली जाती है उस नगर सेवक के ऊपर जो इस निर्माण से जुड़ा हुआ है। विषय काफ़ी गंभीर है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारे नगर सेवक ही अवैध कार्यों में लिप्त रहेंगे तो शहर का विकास कैसे होगा। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।